kasar dari kita. Gak kasar mangka dari kita. Yo. Woi, gaya sah dukto. Woi, thoda nikta ta. Timing model join turun dia. Karena kita tak silna. Kiki berai. Good morning everybody. Good morning sir. Sakshi beta, good morning. Bapu, good morning. No, good morning, good morning. Sakshi, if possible, please join on YouTube. Because students are requested to join from YouTube. Okay, good. Satyam. Vidyarthin, rupaya YouTube varthi join kara. Sir, YouTube shooting zali suru? Started, sir? Yes, sir, it is started, sir. Chalu ke liya. Praful, हाँ सर प्रफुल आणि शेलारा मामा तुम्ही काय करा पहिली लिंक ने करा जॉइन करा कारण ह्या लिंक मध्ये तुम्ही दोघच आहात जर ती फुल झाली तर आपण ही लिंक चालू करू आपण ठीक ही लिंक लेफ्ट करायची का नाही तुम्ही नाही फक्त प्रफुल तुम्ही नाही फक्त प्रफुल शेलार मामा आपण दोन लिंक ठेवलेले आहेत पहिली लिंक फुल झाली तर दुसरी लिंक चालू करू शेलार मामा हॅलो हां बोला सर हां मतलब दुसरी लिंक आहे ना त्याला जॉईन करा ना प्लीज तुम्ही एकटे फक्त ह्या लिंक मध्ये आहात तर दुसरी लिंक इथे जॉईन करा ना हां जर ती फुल झाली तर आपण चालू करू ठीक आहे ओके प्लीज दिनेश जी वेलकम सर आपकी माइक म्यूट है
आपकी माइक म्यूट. गुड मॉर्निंग सर. हाँ दिखा दो. सावदेकर मॅडम. यस सर. गुड मॉर्निंग. तुम्हाला स्क्रीन दिसतोय मॅडम ना? यस दिसते. ओके आवाज येतोय? यस सर. ओके ओके गुड. ओके सर. नमस्कार. वाघमारे मॅडम नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार सर गुप्ता सर. नमस्कार नारखेडे सर. मी मॅडम ना एकदा रिंग करून बघतो. ठीक आहे. हो करा. आता युट्यूब चाललो आहे. दोन्ही लिंक चाललो आहेत. काही प्रॉब्लेम नाही आहे. ओके. भवर सर गुड मॉर्निंग. भवर सर गुड मॉर्निंग. आपले लायब्ररीचे भवर सर का? येस येस येस. अच्छा अच्छा. नमस्कार सर. आपले लायब्ररीचे भवर सर. अरे वा. यांची स्वतःची संस्था आहे नांदेडला योगाची. अच्छा 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 अच्छा. ओके. मॅडम जॉईन होतात रे. ओके ओके. झाले पण असते.
मार्केट है सर. यस सर. हाँ बहुत सर. मैडम कॉक पब्लिक है सर. ठीक है सर. शुरू करें अपन. नहीं मैडम ज्वाइन कर दो मना लिया. ओके ज्वाइन कर सकता था सर. ओके पहले लिंक मत कर. तुम्ही सांगा किंवा चालू करायचं. वरती 15:44 मला जॉईन झालेलं झालेलं आहे. विद्यार्थी जॉईन झाले आहेत. ठीक आहे. हॅलो गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हां गुड मॉर्निंग मॅडम. वेलकम वेलकम मॅडम. गुड मॉर्निंग मॅडम. चालू करूयात. हो हो सर. सुप्रभात. शासकीय तंत्र निकेतन मुंबई यांच्यातर्फे आज योग दिवस. हॅलो. ओनली 47 आर जॉईन. 47 ऑन दिस लिंक अँड ऑन अनदर लिंक 7 पीपल. 37 अँड 7 इज ओनली 57 ॲट द मोस्ट. 44 टोटल 47 इथे 47 आहेत आता. हो हो. एका ग्रुपवर दुसऱ्या ग्रुपवर किती आहे? दुसऱ्या ग्रुपवरती 7. हा म्हणजे 54 झाले ना टोटल. हो. काही जॉईन झाले का डॉक्टर? होते मॅडम जॉईन. आपण चालू करूयात का? थोडी वाट बघूयात 5-8 मिनिट. स्टुडंट काही जॉईन झाले कुठे? युट्यूबवर ती संख्या वेगळी असणार ना. युट्यूब वरती आहेत मुलं जॉईन झालेले. एक मिनिट सांगतो मॅडम. सगळ्या विद्यार्थ्यांना कन्व्हे झालाय ना मेसेज? सर्व ग्रुपला तर टाकलेला आहे म्हणजे सर्व इयरच्या विद्यार्थ्यांना. युट्यूब वरती 20 दिसतात. 20 मुलं किती? 350 ओनली. 20 20 20 20 मुलं जवळपास आपल्याकडे वर्गात 2500 आसपास.
45 प्लस 21 वारली संख्या मैडम 66 झाले 66 73 कोरम इज 73 नाउ हॅलो गुड मॉर्निंग मॅडम योगाचा पहिला मूल मंत्र वेळ हॅलो गुड मॉर्निंग मॅडम आतापर्यंत 87 पार्टिसिपंट जॉईन झाले युट्यूब वरती 75 झालेत मॅडम शॉल वी स्टार्ट ठीक आहे ओके गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी सुप्रभात शासकीय तंत्रनिकेतन मुंबई आज आंतरराष्ट्रीय योगा दिवस साजरा करीत आहे आणि यासाठी आपल्याला योगगुरु श्री किशन रंगराव भवर हे उपलब्ध झालेले आहेत त्यांचा थोडक्यात परिचय करून देतो श्री किशन रंगराव भवर हे सध्या श्रीकृष्ण योगा इन्स्टिट्यूट नांदेड ह्या संस्थेचे चेअरमन आहेत शासकीय तंत्रनिकेतन मुंबई इथून ते लायब्रेरियन ह्या पदावरून निवृत्त झालेले आहेत एम ए एम फिल त्यांचं शिक्षण आहे आणि योगामध्ये म्हणायचं झालं तर त्यांनी डिप्लोमा इन योगा टीचर वाय सी एम यू नंतर एम ए इन योगा टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे आणि नंतर योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड आयुष मंत्रालय न्यू दिल्ली यांचं फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड लेवलच्या परीक्षा ते पास झालेले आहेत आणि इतर जर योगासंबंधीच्या त्यांच्या ॲक्टिव्हिटी बघायच्या झाल्या तर सहयोग शिक्षक ऑफ पतंजली योगापीठ हरिद्वार म्हणून ते कार्यरत आहेत तसेच ते मेंबर ऑफ योगा असोसिएशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली याचे सदस्य आहेत नंतर ते रजिस्टर्ड प्लेअर ऑफ महाराष्ट्र योगा असोसिएशन पुणे नंतर योग परीक्षक ऑफ इंडियन योगा असोसिएशन न्यू दिल्ली नंतर महाराष्ट्र स्टेट योगा रेफरी नंतर नॅशनल योगा रेफरी नंतर इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये त्यांचं नाव समाविष्ट आहे तसेच एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड ह्या रेकॉर्ड बुकमध्ये पण त्यांचं योगा संबंधीचं नाव समाविष्ट आहे
तर असे बहुविध आयामी असं व्यक्तिमत्व आपल्याला आज मार्गदर्शक म्हणून उपलब्ध झालेलं आहे. तर त्यांचं सर्वांतर्फे मी स्वागत करतो आणि माननीय प्राचार्य सौ देशपांडे यांना विनंती करतो की त्यांनी दोन शब्द मार्गदर्शन करावे आणि कार्यक्रमास सुरुवात करावी. प्लीज मॅडम. प्राचार्य मॅडम. सर्वांना आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी किशोर भवर सर आणि आज कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले अधिकारी कर्मचारी विद्यार्थी यांना योग दिनाच्या शुभेच्छा. मॅडम आवाज बंद झाला आहे, माईक म्यूट आहे मॅडम. हॅलो पुष्पे सर. हॅलो आवाज ऐकतोय का माझा? हो मॅडम शी बोलता का? हो ऐकतोय. मॅडमचा आवाज येत नाही ना? झाला का बोलून? नाही मॅडमचा नाही येत. ओके ओके आता मी चालू करू भाऊ सरांना प्रेझेंट करू. ओके हॅलो हा बोल. ओके ओके ठीक. भवर सर स्क्रीन दिसतोय का? सरांनी सुरुवात केली तर मग तुम्हाला चालू आहे सर व्यवस्थित. सर्वांना विनंती करण्यात येते की आपला माईक कृपया म्यूट करावा. इतर सर्व पार्टिसिपंट्सला विनंती करण्यात येते की आपला माईक कृपया म्यूट करावा. शिव शंकर नमः शंकर
उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उससे फायदे क्या है,
वो क्यों अपनाना है, रोग अनुसार योग अनुसार योग भी आजकल है, योग थेरेपी निकली है, योग फिलोसॉफी है, और आजकल डॉक्टर लोग का भी योग का सजेशन दे रहे हैं पेशेंट को, कुछ गोलियां और कुछ योगासन, ऐसा कुछ प्राणायाम, ऐसा अभी ट्रीटमेंट भी चालू है, योगा थेरेपी एक नई ब्रांच भी निकली है, तो ऐसे ये योगा जो है विश्व ने स्वीकार किया है। अभी अब तक जो विश्व योग दिन था वो नई दिल्ली में 2015 को मनाया गया, पूरे वर्ल्ड में को मनाया गया, और दिल्ली में राजपथ पे 36,000 लोगों के साथ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने योग बनाया किया है, उसका जो वर्ल्ड दर्ज हुआ है। 2 साल पहले नांदेड़ में भी इसका योग दिन हुआ था, उसी योग दिन की भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में नोंद हुई है, लेकिन अभी 2 साल से गए साल और ये साल ऑनलाइन वर्चुअली अपन ये दिन साझा कर रहे हैं, क्योंकि कोविड का इन्फेक्शन होने की ज्यादा संभावना रही थी, इसलिए अपन घर घर पे बैठ के ये दिन अपन साझा कर रहे हैं। तो चलो इतनी पार्श्व के ठीक है, अभी अपने को उसमें जो कुछ क्रिया है कुछ उसकी फिलॉसफी है वो भी अपन देखेंगे। तो योग की शुरुआत जो है वो पहला जो योगी है वो भगवान महादेव जी है, उन्होंने पहला योग अपने पार्वती को बताया है, फिर हिरण्यगर्भ और गुरु शिष्य परंपरा से ये योग अपने यहाँ तक आया है। अभी योग को पूरा शास्त्रीय बनाया है, योग यूनिवर्सिटीज है, यस व्यासा जो बेंगलोर की यूनिवर्सिटी है, और मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, और स्कूल ऑफ योगा स्कूल ऑफ बिहार मुंगेर, और अपना ये 4-5 जो इंस्टीट्यूट है योग के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो योग के बारे में उनका संशोधन चल रहा है, स्पेशली कैवल्य धाम जो पुणे है वो उन्होंने प्राणायाम के ऊपर उनका बहुत सारा है, प्राणायाम के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं उन्होंने उनका बहुत अच्छा तरीके से रिसर्च किया है, बहुत सारे जो इंटरनेशनल पीरियडिकल्स में उनके आर्टिकल्स पब्लिश हुए वाले, और आज का जो कोविड का जमाना चालू है ये कोविड के लिए कोविड का प्रतिबंध करने के लिए आजकल ये प्राणायाम जो है वो बहुत सारे लोग अपना ले रहे हैं, डॉक्टर लोग भी उनको सिफारिश कर रहे हैं। तो ऐसा ये योग जो है वो अपने मानव के हित के लिए अभी अपन मना रहे हैं। योग सिर्फ एक फिजिकली एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ अपन अपना शरीर तंदुरुस्त करने के लिए योग नहीं है, अपना मेंटल जो आजकल मेंटल प्रॉब्लम ज्यादा है, साइकोसोमेटिक्स डिसीजेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसीलिए योग ये सिर्फ फिजिकली नहीं तो मेंटली है, फिजिकली है, ये सबका मिला के जो है वो योग के इफेक्ट अपने को दिख रहे हैं। तो योग अपने को अपना मन शांत रखता है, मन शांत रहा तो अपनी बॉडी भी शांत हो जाती है, और जब तक मन शांत नहीं रहता तो तब तक तो अशांतता रहती है, इसलिए ये मानसिक है, मानसिक की क्रिया है, इसलिए योग को मानस शास्त्र भी कहा जाता है, और उनके प्रमाणिक जो ग्रंथ है योग शास्त्र पतंजलि जो रचाया है वो ग्रंथ योग शास्त्र का प्रमाणिक ग्रंथ है, भट्ट प्रदीपिका है, हिरण संहिता है, शिव संहिता है, ऐसे बहुत सारे प्रमाणिक ग्रंथ है योग के, लेकिन जो अच्छा तरह से बना है वो पतंजलि बना है। तो ऐसे पतंजलि ने योग शास्त्र बनाया 195 सूत्र में पूरा योग शास्त्र उन्होंने बताया 4 बार में, और उसका जो अष्टांग योग है उनका पतंजलि का यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान और समाधि, ये पूरा योग जो है उन्होंने 8 अंग में बताया है, उसमें आसन
और प्राणायाम ये दो जो है वो अपने लिए वो सबसे ज्यादा अपने को इम्पोर्टेंट है। नियम तो ये रूल्स है, ये यानी कि समाज में अपन जब रहते हैं तब जो फॉलो करना है सामाजिक बांधी की जो बोलते वो जो पूरे है वो ये हमने बताया है। और खुद के प्रगति के लिए करने के लिए जो है वो नियम है, वो नियम जो फॉलो करे तो अपने खुद की प्रगति हो जाती है। आसन से अपना शरीर दृढ़ हो जाता है, प्राणायाम से अपना मन स्थिर हो जाता है, प्रत्याहार से अपनी जो अंदर के इंद्रिय से जो लगाव रहती वो कम हो जाती है, और धारणा ध्यान और समाधि ये अंतरंग योग है, यानी कि समाधि तक जाने के लिए स्टेप्स है। ये पहले ये पुष्टि प्रकट होने के बाद समाधि तक जाने का रास्ता यानी कि पूरा ये धारणा ध्यान और समाधि, ये ऐसे आठ अंग पतंजलि ने योग के लिए बताए हैं। तो पतंजलि उन्होंने ऐसा सब जो योग उपनिषद योग वेद में सब ये था शुरू था, तो उन्होंने पूरा अच्छी तरह से उन्होंने एकत्रित किया और योग शास्त्र बनाया। भगवद गीता में सभी योग है, आठ के आठ अध्याय में पूरा योग बताया है, इसीलिए योग भगवद गीता को योग शास्त्र भी कहते हैं। उनका सांख्य योग बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मयोग भक्ति योग ऐसे जो योग उन्होंने बताया है वो भी यही योगा के भाग है। भक्ति योग तो पूरा टोटली पतंजलि के जो अष्टांग योग है उन पे ही आधारित है, ध्यान और जो भक्ति योग है भक्ति योग उसमें पूरा ये योगा का ही बताया है। तो आज के लिए इतना बैकग्राउंड काफी है, तो अभी अपन कुछ क्रियाएं करने वाले हैं, कुछ आसन करने वाले हैं और कुछ प्राणायाम करने वाले हैं। तो पहले अपन करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। तो जो जैसे कंडीशन में अपन सुखासन में बैठे तो कोई प्रॉब्लम है वैसे बैठो, वज्रासन में बैठने का प्रयास करो हो सके तो। अब करते हैं पहले हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। तो आपको अभी अपनों को करना है साथ साथ, जितना हो सके उतना ही करना है, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना है, मैं जैसा करूंगा वैसा आपको करना है। जहाँ पे अपन बैठे जमीन के ऊपर चादर डाल के वहां बैठो, प्रिफर वैसा करो। जमीन पे नहीं बैठ सकता है तो चेयर पे बैठे करो, तो लेकिन तो करना है साथ साथ करना है। तो चलो पहले हाथ आगे, हाथों के उंगलियों का व्यायाम, उंगलियों को गोल गोल घुमाना है, हाथ की मुट्ठी बननी है, मुट्ठी को गोल घुमाना है, कलाई को झटकना है, पट्टी ग्रीवा संचलन। गवर्नमेंट के योगा प्रोटोकॉल के अनुसार अभी अपन ये सूक्ष्म क्रिया कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने ऐसा एक प्रोटोकॉल दिया है, उसी के हिसाब से अपन कर रहे हैं। तो ग्रीवा संचलन जाएगी, गर्दन के व्यायाम, गर्दन को आगे पीछे करना है, श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे लेके जाना है और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे लाना है, बिल्कुल धीमी गति से गर्दन का गर्दन को आगे पीछे करना है तीन तीन बार। दूसरा प्रकार है लेफ्ट कानिसला को लेफ्ट कंधे को लगाना है और धीरे धीरे राइट कानिसला को राइट कंधे को लगाना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तीसरा प्रकार गर्दन को लेफ्ट की तरफ टर्न करके पीछे देखते और धीरे धीरे गर्दन को राइट की तरफ टर्न करके पीछे देखते, लेफ्ट राइट लेफ्ट
का, गर्दन का गोलाकार, लेफ्ट से पीछे और राइट से आगे, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, क्लॉकवाइज गर्दन का गोलाकार और फिर विरोध दिशा से गर्दन का गोलाकार। संचलन के बाद स्कंद संचलन करते हैं, दोनों हाथों की उंगली अपने कंधों के ऊपर और सामने से दोनों कोहनियां और पीछे से दोनों हाथ एक दूसरे को लगाना है धीरे धीरे से। गति बिल्कुल धीमी होना, विरुद्ध दिशा से कंधे को गोल घुमाना है, सामने हाथ अपने घुटने के ऊपर और जगह पे ही कंधे को गोल घुमाते हैं, विरुद्ध दिशा से कंधे को गोल घुमाते हैं, अब दोनों हाथ ऊपर, एक हाथ दूसरे हाथ से पकड़ना है और गर्दन के पीछे थोड़ा नीचे खींचना, दूसरी बाजू से हाथ ऊपर लेते हैं, एक साइड गर्दन के पीछे से हाथ खींचना है, दूसरी बाजू दो बार करेंगे, अब दोनों हाथ इंटरलॉक करना है और अपने माथे के ऊपर रखना है और माथे को थोड़ा पीछे करना है और एक बार वही हाथ अब गर्दन के पीछे लेके जाते हैं और गर्दन को पीछे दबाते हैं, राइट हाथ से राइट कांचिला दबानी है, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट कांशिला दबानी, एक्यूप्रेशर पॉइंट करना है, तीन तीन बार अब करते हैं, हाथ को झटकना है, करते कोहनियों का व्यायाम, हाथ को आगे पीछे करते हैं, इससे अपनी पूरी बॉडी अपना कर्मयोग दिन भर का कर्मयोग करने के लिए तैयार हो जाती है, ये सूक्ष्म व्यायाम से बॉडी में कोई अकड़न झकड़न नहीं रहती है, हाथ साइड को, और हाथ को ट्विस्ट करना है, हाथ को थोड़ा ट्विस्ट करना है, एक मिनट में वज्रासन में आना है, जिनको पाइल्स है वो नहीं बैठना है और जिनको बहुत ही सीरियस घुटने का दर्द है उन्होंने सिर्फ वज्रासन नहीं करना है, वज्रासन कर सकते हैं, अभी तो अपनी स्टूडेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वज्रासन में ऐसा बैठना है और अपने को वज्रासन में आके करना है मंडूकासन। देखो मैं मंडूकासन के लिए दोनों हाथों की मुट्ठी बननी है और दोनों हाथों की मुट्ठी एक दूसरे को लगाना है और वो अपने नाभि स्थान पे रखनी है, दोनों हाथों की मुट्ठी और करते हैं मंडूकासन और श्वास छोड़ते हुए
आंखें झुकते हैं और सामने देखते हैं। और एक बार मंडुकासन पहला प्रकार, दोनों हाथों की मुट्ठी नाभि स्थान के ऊपर रखना है और श्वास छोड़ते हुए आगे। और एक बार आखिरी बार है ये, आइए ऊपर मंडुकासन के बाद अब करते हैं शशंकासन, दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आगे, माथा जमीन के ऊपर लगा है। ये हो गए हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। अब आसन छोड़ दिए, पद्मासन छोड़िए, पद्मासन का प्रैक्टिस नहीं तो तकलीफ हो जाएगी। अब सुखासन में बैठते हैं, साधी मांगी डाल के बैठना है या पद्मासन, अर्ध पद्मासन जिन प्रैक्टिस है वो पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं या सुखासन में बैठना है। अब करते हैं एक शुद्धि क्रिया, कपालभाति, अपने अंदरूनी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको क्लीन करने का एक काम करती है कपालभाति। कपालभाति तीन प्रकार के रहते हैं, वातक्रम, उत्क्रम और शीतक्रम। तो अपने को सिर्फ एक ही करना है वातक्रम, जो हवा के माध्यम से जो किया जाती है उसे वातक्रम कहा जाता है और जो पानी के साथ किया जाता है उसे उत्क्रम और शीतक्रम कहते हैं। तो वो अपने को नहीं करनी है, सिर्फ वातक्रम करनी है, अंदरूनी पूरी जो क्रम है अपने को क्लीन करना है। एक बीपी, शुगर और हार्ट का प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है, पेट अंदर श्वास बाहर, ऐसा अपने को एक मिनट में चार बार करना है। एक सेकंड का एक स्ट्रोक, एक मिनट में 60 और अपने को 5 मिनट करना है, यानी कि 300 स्ट्रोक अपने को मारना है, सिर्फ प्रश्वास करना है। श्वास लेने की क्रिया पैसिव हो जाती है, सिर्फ अपने को कॉन्सेंट्रेट करके सिर्फ प्रश्वास करना है। देखो झटके के साथ पेट को अंदर, श्वास को बाहर, झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकना है। श्वास लेने की क्रिया ऑटोमेटिक हो जाती है, इससे अपनी अपना ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है और जो ब्लड में के जो ब्लॉकेजेस है अपने नसों में के, वो ब्लॉकेजेस निकालने का काम एक कपाल भाति करता है। व्याधि से समाधि तक जाने का रास्ता यानी कि कपाल भाति, ऐसा रामदेव बाबा कहते हैं उनके पतंजलि योगपीठ में, कपाल भाति को व्याधि से समाधि तक जाने का रास्ता ऐसा कहा जाता है। तो करना है अपने को, और अपना कोविड के पीरियड में कपाल भाति और अपन करने वाले आगे की भस्त्रिका, ये दोनों क्रियाएं, दोनों प्राणायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रंथों में कपाल भाति को सिद्धि क्रिया बोल के कहा है, लेकिन पतंजलि विद्यापीठ इसे प्राणायाम बोल के भी करते हैं, तो लेकिन सही है
शुद्ध क्रिया है अपना अंदरूनी जो सिस्टम है रिस्पिरेटरी सिस्टम अपन को इससे साफ करते हैं। तो चलो आखिरी एक मिनट की कपालभाति। और दीर्घ प्रश्वास करके ही दोनों हथेलियों का घर्षण चेहरे के ऊपर घुमाते हैं और धीरे धीरे आंखें खुलते हैं। ये हो गई कपाल भाती। अब पढ़ते हैं थोड़े पैरों के सूक्ष्म पैर सामने करना है सीधे पैर सामने लेना है सीधे अभी पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। पहले पैरों के उंगलियों का व्यायाम उंगलियों का बलपूर्वक आगे पीछे करते हैं बलपूर्वक उंगलियों का आगे पीछे करते हैं पैरों फिर पैरों के पंजों को आगे पीछे करना है पंजे आगे पीछे पंजों को गोल घुमाते हैं तीन तीन बार और एंटी क्लॉक वाइज तीन बार पैरों की ताली बजाते हैं दोनों पैरों की ताली पैर बदल के अंदर की तरफ से जमीन को लगाना है। अब दोनों अंगूठे एक साथ जमीन को लगाते हैं अंदर की तरफ से अपने पैरों को अच्छी तरह से ट्विस्टिंग इससे कोई अकड़न जकड़न इससे दूर हो जाती है। अब राइट पैर फोड़ करके लेफ्ट पैर के मांडी के पास आते हैं। अब करते हैं जानु शीर्षासन और दोनों हाथ ऊपर श्वास छोड़ते हुए पैर के पंजों को पकड़ना है माथा करना है ऊपर और एक बार जानु शीर्षासन आइए ऊपर आइए ऊपर अब दूसरा पैर पैर बदल के राइट पैर सीधा लेफ्ट पैर फोल्ड करके राइट पैर पांडे के पास दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आगे पैर के आंगुलियों को पकड़ना है हो सके तो माथा घुटने को लगाने का प्रयास करना है आइए ऊपर और एक बार जानु शीर्षासन अपनी कमर लत्ती के बगल में आइए ऊपर अब दोनों पैर सीधे अब दोनों पैर सीधे करते हैं और अब करते हैं पश्चिमोत्तानासन फॉरवर्ड बेंडिंग का बहुत ही अच्छा आसन है कमर का घेर भी कम हो जाता है कमर में लचीलापन आ जाता है विकास भी हो जाता है दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे और पैर के अंगूठे को पकड़ना है जितना हो सके उतना ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना है हो सके तो अपना माथा घुटने को लगाने का प्रयास करना है
पश्चिमोत्तानासन आइयो राइट पैर फोल्ड करके लेफ्ट पैर की मांडी के ऊपर रखते हैं और ये पैर को नीचे दबाते हैं और ऊपर नीचे दबा के जमीन को लगाते हैं राइट पैर को नीचे दबाना ऊपर खींच के छाती को लगाना अर्धचक्री अपने मांसपेशियां जांघें बहुत मजबूत हो जाती है एक पैर का झूला पैर को हाथ में डाल के उसको हिलाना है पैर के उंगलियों की मालिश उंगलियों को गोल गोल घुमाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अब पैर बदल के अर्धतितली करते हैं राइट पैर अभी सीधा है लेफ्ट पैर फोल्ड करके राइट पैर की मांडी के ऊपर रखते हैं और घुटने को नीचे दबाना है जमीन की तरफ और ऊपर खींच के छाती को लगाना है और अपनी हनुमटी घुटने को लगाने का प्रयास करना है नीचे दबाना है ऊपर खींचना है करते हैं पैर का झूला पैर को झुका देते हैं पैर को झुकाना और पैर को योगा देना है अभी पैर उंगलियों की मालिश उंगलियों को गोल गोल घुमाना है विरुद्ध दिशा से पैर के उंगलियों को गोल घुमाना है दोनों पैर जोड़ के सामने लाना है और पैरों की मालिश करते हैं मालिश के बाद दोनों पैर को खींच के अपने शून्य के पास लाते हैं और करते हैं तितली तितली के पैरों अपनी जांघें बहुत मजबूत हो जाती है तितली के बाद करते हैं चक्की आसन चक्की घुमाना है कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद ऐसी क्रिया है दोनों पैर सीधे लंबे बिल्कुल दोनों हाथ जोड़ के अपने पैरों के अंगूठे के पास लाते हैं सांस लेते हुए पीछे चक्की श्वास लेते हुए पीछे श्वास छोड़ते हुए आगे चक्की को गोल घुमाना है बहुत बढ़िया है आइए पैरों के सूक्ष्म आया हो गए हाथों के सूक्ष्म हो गए पहले पैरों के सूक्ष्म हो गए अभी और एक प्राणायाम इसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कहा जाता है या अनुलोम विलोम प्राणायाम कंफर्टेबल आसन में बैठना है
राइट हाथ का यूज करना है, लेफ्ट हाथ की ध्यान मुद्रा में अपने वाणी को पढ़ना है कि राइट हाथ के सिर्फ दो उंगलियां अंगूठा और अनामिका का सिर्फ यूज करना है। अंगूठे से राइट नासिका बंद करनी है और अनामिका से लेफ्ट नासिका बंद। तो पहले अंगूठे से राइट नासिका बंद करके लेफ्ट से सांस लेते हैं और लेफ्ट बंद करके राइट से छोड़ते हैं, फिर राइट से ऊपर लेते हैं और राइट बंद करके लेफ्ट से छोड़ते हैं। ये हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक आवर्तन। इसे ऐसा कंटिन्यूली 5 मिनट तक करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो देखो प्रोसीजर में गलत नहीं होना, विधि करेक्ट होना, क्योंकि प्राणायाम के साइड इफेक्ट भी वैसा हो सकते हैं। तो बहुत इजी है प्राणायाम, कोई गलत होने कोई चांसेस नहीं है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, राइट हैंड का यूज करना है, लेफ्ट हैंड अपने घटने को। तो चलो करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। कंफर्टेबल आसन, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, आंखें बंद और करते हैं 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट नासिका से श्वास लेना है, फिर लेफ्ट बंद करके राइट से छोड़ना है, फिर राइट से ही लेना है, राइट बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है। ये प्राणायाम से अपने शरीर के 72,000 नसनाड़ी परिशुद्ध हो जाती है, इसीलिए ये प्राणायाम को नाड़ी शोधन या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा जाता है। वात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष संतुलित अवस्था में रखने का काम ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है। ये प्राणायाम अपना मन भी शांत करता है और मन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ाता है। बीपी और शुगर वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद ऐसा है प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। करते रहिए आखिरी 1 मिनट का अनुलोम विलोम। लेफ्ट नासिका से प्रश्वास करके ही अपने को रुकना है और नॉर्मल श्वास प्रश्वास दोनों हथेलियों का घर्षण, गरम गरम ऊपर से घुमाते हैं और धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद और बहुत इजी ऐसा प्राणायाम है। चलो तो ये प्राणायाम के बाद अब अपन पीठ के ऊपर एक कुछ आसन और क्रिया करते हैं। तो चलो पीठ के ऊपर सो जाना है, पीठ के ऊपर पाठी बढ़िया एक एक पैर को ऊपर उठाना, पहले लेफ्ट पैर को सिर्फ 1 फीट तक ऊपर उठाना है और 5 सेकंड रुकना है।
आइए नीचे, राइट पैर एक फीट तक ऊपर उठाना है और 5 सेकंड रखना है, आइए नीचे, लेफ्ट अप, आइए नीचे, राइट अप, आइए नीचे। अब दोनों पैर अपने को एक साथ ऊपर उठाना है और 5 सेकंड रुकना है, अब दोनों पैर एक साथ अप, आइए नीचे, रिलैक्स, और एक बार दोनों पैर एक साथ अप, आइए नीचे, रिलैक्स, और शवासन में 10 सेकंड का विश्राम, शवासन की दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस, दोनों हाथों अपने बॉडी के बाजू, दोनों हाथों की उंगलियां आधी मुड़ी हुई आकाश की तरफ, गर्दन एक तरफ झुके हुआ और बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, शवासन से योग विद्याधाम चैतन्य आसन भी कहते हैं, इससे अपने को अपनी एनर्जी गेन हो जाती है, चैतन्य प्राप्त हो जाती है। सावधान, अब करते हैं अर्धहलासन, अभी पैरों को अपने को 90 डिग्री में ऊपर उठाना है और 5 सेकंड रुकना है, दोनों पैर एक साथ अपने को 90 डिग्री तक उठाना है, दोनों पैर एक साथ अप करने और 5 सेकंड रुकना है, अर्धहलासन प्रोटोकॉल में ये आसन दिए वाला है, तो इसे आपको करना है, 5 सेकंड रुकना है, आइए नीचे, धीरे धीरे पैर को नीचे लाना है, जमीन के ऊपर पटकना नहीं है पैर, बिल्कुल धीमी गति से, तो आखिरी बार और एक बार दोनों पैर एक साथ अप, अर्धहलासन 90 डिग्री में पैर लाना है, अंगूठे आकाश की तरफ, 5 सेकंड रुकना है, आइए नीचे, धीरे धीरे पैर को नीचे लाते हैं, ऐसे दिखा तीसरा आसन पवन मुक्तासन, राइट पैर फोल्ड करके अपने छाती के ऊपर रखना है और हाथों से अपने पैर को पकड़ना है और अपने घुटने को लगाने का प्रयास करना है, आइए दूसरे पैर से पवन मुक्तासन, अपने छाती के ऊपर पैर को दबाना है और घुटने को लगाने का प्रयास करना है, आइए और एक बार राइट पैर फोल्ड करते हैं और छाती के ऊपर पैर दबाना है, लगाने का प्रयास करना, आइए आखिरी बार लेफ्ट पैर छाती के ऊपर दबा दे और घुटने को अनूठी लगाने का प्रयास करना, आइए ये होगा एक पैर का, अभी दोनों पैरों का पवन मुक्तासन, दोनों पैर फोल्ड करना है और अपनी छाती के ऊपर लाना है, दोनों हाथों से उसको पकड़ लेना है और अपनी अंगूठी घुटने को लगाने का प्रयास करना है, आइए नीचे, आखिरी बार दोनों पैरों का पवन मुक्ता, अपना अपान वायु मुक्त हो जाता है ये आसन से, पवन मुक्ता सर, इसमें थोड़ी रोलिंग करना है, इसे मुड़ के बैठना है, नीचे हमें अपनी अच्छी तरह से पीठ की मालिश हो जाती है, एक मिनट,
और सेंट्रलिंग अपने बहुत क्यों कराना है सेंट्रलिंग बहुत बढ़िया और 10 सेकंड के विश्राम करते हैं सेवा समय 10 सेकंड का विश्राम सावधान अब करते हैं कंधरासन इसे गवर्नमेंट प्रोटोकॉल में सेतु बंधासन कहा है लेकिन ये कंधरासन बहुत ही ज्यादा पहचाना जाता है तो पैर अपने हिप के पास लाते फोल्ड करके दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ना है और हिप को ऊपर उठाना है कंधरासन पूरा भार अपने कंधे के ऊपर आता है ये आसन है ये आसन को प्रोटोकॉल की किताब में सेतु बंधासन कहते दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो करना है तो चलो आइए अब और धीरे धीरे कमर को नीचे रख देते हैं और विश्राम अब बाई करवट लेके पेट के बल आते हैं पेट के बल आना है भी पेट के बल के कुछ आसन और कुछ क्रियाएं करते हैं पहले दोनों हाथों में अपना चेहरा लेना है और एक एक पैर को अपने हिप को लगाना है एक एक पैर अपने हिप को लगाना है दोनों पर एक साथ क्रिया के बाद अब करते हैं भुजंगासन भुजंगासन का पहला प्रकार प्रोटोकॉल में जो दिया वही करेंगे पहला प्रकार है अपने कोने कोने के बल आना है और पूरा भार अपने हाथ के कोने के ऊपर और सामने देखना है अपने कमर से ऊपर उठाना है दोनों पैर जोड़े हुए एकदम सीधे पीछे लगना है और सामने देखना है और एक बार भुजंगासन सामने देखना है बिल्कुल भुजंग जैसी अपने शरीर की पोजीशन हो जाती है ऐसा पोस्चर हो जाता है इसीलिए इसे भुजंगासन कहा जाता है रिलैक्स मकरासन में रिलैक्स मकर यानी कि मगर मगर जैसी अपने शरीर की पोस्चर हो जाती है ये विपरीत सेन स्थिति का विश्राम का आसन है मकरासन दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस अपने हाथ एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ और अपने हाथों के ऊपर अपना हाथ मकरासन
असे फील होते सावधान आप करते हैं धनुरासन दोनों पैरों को फोल्ड करना है दोनों पैरों को फोल्ड करना है और दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ना है और पैरों को तान देना है छाती को ऊपर उठाना है धनुरासन अपने शरीर की पोस्चर धनुष जैसी हो जाती है इसलिए धनुरासन कहा जाता है तो छाती उठाना है ऊपर और पैरों को तान देना है अप रिलैक्स और एक बार करते हैं धनुरासन पैरों को तानना है अच्छी तरह से और छाती को ऊपर उठाना है तान देना है 5 सेकंड रुकना है आइए अप रिलैक्स और 10 सेकंड का मकरासन में विश्राम सावधान अपने दोनों हाथ अपने जैकेट के नीचे दोनों हाथ जाने के नीचे लेते हैं जमीन के तरफ हाथ के तलवे और अपने अपने को दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाना है शलभासन तो जैसे अपने बॉडी पोस्चर हो जाती है दोनों पर एक साथ होना है दोनों पर एक साथ अप पैर बिल्कुल सीधे 5 सेकंड रुकना है सिर्फ और डाउन शलभासन दोनों पर एक साथ अप बाई करवट लेके उठ के बैठना है
नौ दस ग्यारह और बारह और एक श्रीनिवासा निकलेंगे एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और पांच दो नमस्कार अभी करते हैं योगी जॉगिंग थोड़ा रनिंग करते हैं धीमी गति से थोड़ी गति बढ़ाते हैं एक्सपांशन दोनों हाथ सामने और लंग्स को फैलाते हैं पूरा ऑक्सीजन अंदर भरता है करते हैं त्रिकोणासन दोनों पैरों में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस राइट हाथ लेफ्ट राइट हाथ और ऊपर देखते हैं हाथ की तरफ फिर दूसरी बार भी ऐसा अपने को अपने अपने क्षमता के अनुसार करना है त्रिकोणासन बढ़िया त्रिकोणासन के बाद अब करते हैं तिर्यकासन तिर्यकासन दोनों हाथ ऊपर और हाथ आकाश की तरफ और दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस आधे फुट का और अपने को एक साइड को बेंड होना है कमर से बेंड होना है आगे से झुकना नहीं है आइए दूसरी बार त्रिकोणासन पहली बार और एक बार दूसरी बार
सामने आपका है अर्ध चंद्रासन, दोनों हाथ बांध के छाती के ऊपर रखते हैं और श्वास लेते हुए पीछे झुकना है, बिल्कुल सीधे, थोड़ा ही झुकना, ज्यादा नहीं क्योंकि चक्कर आने की संभावना रहती, थोड़ा ही झुकना है और वापिस एक पोजिशन में आना है। चलो श्वास लेते हुए पीछे झुकना है, और एक बार अर्धा चंद्रासन, और हाथ नीचे पकड़ते हैं पाद हस्तासन, दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए जाना है, हाथ जमीन पर लगाने का प्रयास करना है, हो सके तो अपना माथा जमीन पर लगाने का प्रयास करना है, पाद हस्तासन आइए ऊपर, और एक बार श्वास छोड़ते हुए आइए हाथ जमीन के ऊपर आइए ऊपर, आखिरी बार आइए ऊपर, हस्तासन के बाद अब करते हैं ताड़ासन, ये छोटे बच्चों के लिए पूंजी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और अपना जो आलस्य है वो ये आसन से निकल जाता है, तो दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ इंटरलॉक करके आकाश की तरफ तलवे और पूरा बैलेंस अपने पैर के पंजे के ऊपर, पूरा बैलेंस अपने पैर के पंजे के ऊपर, आइए नीचे, और एक बार ताड़ासन, तार जैसा वृक्ष जो रहता सीधा ऐसा अपने को सीधा खड़ा रहना है पैर के पंजे के ऊपर, आइए नीचे, आखिरी बार ताड़ासन, आइए नीचे, ताड़ासन के बाद थोड़ा बैलेंसिंग का आसन है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आसन है वृक्षासन, एक पैर के ऊपर अपने को बैलेंस करना है, राइट पैर फोल्ड करके एक तो पिंडली के ऊपर रखना है या मांडी के ऊपर रखना है, फिर घुटने के ऊपर नहीं रखना है, नए साधक में पिंडली के ऊपर रखना है और जिनको बैलेंस आता है वो अपने मांडी के ऊपर, और दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में ऊपर और सामने कोई भी एक स्थिर पॉइंट के ऊपर नजर स्थिर करनी है, वृक्षासन दादा सिंह का बहुत इंपॉर्टेंट आसन ही, पूरा कॉन्सेंट्रेट धीरे धीरे हाथ और पैर नीचे लाना है, अब दूसरी बार वृक्षासन में दूसरे पैर से करते हैं वृक्षासन, पैर अपने माथे के ऊपर और सामने देखना है, ताटक लगाना है सामने, और रिलैक्स, हाथ और पैर नीचे लाना है और रिलैक्स करना है, बैठ जाइए नीचे, ओके, एक पॉइंट आसन है वो आपने किए हैं, अब करते हैं प्राणायाम, जिसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं, तो अभी उन सारे कंफर्टेबल आसन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन, अब करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका है कि लोहार का जैसा भाता है वैसा अपने को श्वास को लेना छोड़ना है, लेना छोड़ना है, श्वास को रोकना नहीं है, कुंभक के साथ नहीं कर रहे हैं, अभी अपन नए सीख रहे हैं तो कुंभक के साथ नहीं करना है, तो सिर्फ श्वास को लेना है छोड़ना है, तो
कंफर्टेबल आसन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधा, आंखें बंद और करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास लेना है, छोड़ना है। श्वास प्रश्वास की गति को विच्छेद दे रहे हैं, तस्मिन स्थिति श्वास प्रश्वास गतिविच्छेद प्राणायाम। ये पतंजलि ने प्राणायाम की व्याख्या की है, जो नॉर्मल श्वास प्रश्वास करता है उसकी गति का विच्छेद करना है, यानी कि प्राणायाम करना है। प्राण यानी कि अपना प्राण वायु उसका आयाम करना है, उसको नियंत्रित करना है। चलो अपने हिसाब से श्वास लेना है, छोड़ना है, नॉर्मल श्वास प्रश्वास नहीं। रोकना नहीं है अंदर और बाहर भी रोकना नहीं है, समगति करना है। समगति जितने गति में आप ले रहे हैं उतने ही गति में अपने को छोड़ना है। जब कुंभक के साथ किया जाता है तब उसका रेशियो अलग रहता है, लेकिन अपने को कुंभक के साथ नहीं करना है। समगति श्वास प्रश्वास लेना है, छोड़ना है। कोविड के समय में पीरियड में ये प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। लंग्स 30% ही कार्यरत रहते, 70% कार्यरत नहीं रहते, इसलिए कोरोना का अटैक हो सकता है। तो ये प्राणायाम से अपने को लंग्स पूरी तरह से पूरी कैपेसिटी की तरह से यूज करना है। तो श्वास लेना है, छोड़ना है, लंबा श्वास लेना है, लंबा श्वास छोड़ना है। श्वास प्रश्वास नियंत्रित श्वास प्रश्वास हम कर रहे हैं, कंट्रोल ब्रीदिंग कर रहे हैं। ये प्राणायाम में संघ गति भी प्राणायाम है, कुंभक के साथ अपने जो कर रहे हैं मध्यम गति घसरिका प्राणायाम है और तीव्र गति घसरिका है, घसन के साथ भी घसरिका है और हाथों के साथ भी अपन घसरिका कर सकते हैं। वैसे चार पांच प्रकार है, अपन सिर्फ मध्यम गति घसरिका कर रहे हैं। तो आखिरी मिनट की चले वाते चले चित्ते, जैसे जैसा अपना श्वास जलद हो जाता है वैसा वैसा अपना चित्त जलद हो जाता है। अपने को श्वास को नियंत्रित करना है, यानी कि कंट्रोल ब्रीदिंग करनी है। तो यानी कि अपना चित्त मन है वो शांत हो जाता है और योग का आखिरी जो अष्टांग योग पतंजलि ने बताया है उसके आठ अंग मैंने आपको बताया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, आखिरी अंग समाधि है। समाधि तक जाने के ये स्टेप्स है। तो मन शांत करने के लिए ये प्राणायाम है, श्वास
नियंत्रित करने से अपना मन भी नियंत्रित हो जाता है, शांत हो जाता है। और फिर धारणा, ध्यान और समाधि। अपना आहार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। नियंत्रित प्राणायाम और योगा करने के लिए अपना डाइट जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड होना, बैलेंस्ड डाइट बहुत ही आवश्यक है। और योगा पूरी तरह से शाकाहारी का भोजन ही करो, ऐसे बोलते हैं। शाकाहारी भोजन ही भोजन है, मांसाहारी भोजन को निषिद्ध माना गया है। तो योग साधक ने हमेशा के लिए शाकाहारी भोजन करना है और दिन में सिर्फ दो ही बार भोजन करना है। शाम को बिल्कुल कम भोजन करना है। सुबह दोपहर का जो लंच है वो तुम भरपेट कर सकते हो, शाम का भोजन कम ही होना चाहिए। तो चलो दीर्घ प्रश्वास करके ही अपने को रुकना है, नॉर्मल श्वास प्रश्वास, दोनों हथेलियों का घर्षण, चेहरे के ऊपर घुमाते हैं और धीरे धीरे आंखें खोलते। ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। अब 5 मिनट में समापन। अब करते हैं शीतली प्राणायाम। ये प्रोटोकॉल में शीतली प्राणायाम अभी अपने जो योगी जंग की है ये प्राणायाम किया है तो अपना शरीर थोड़ा फिट हो जाती है। प्रणवस्कार किए है तो शरीर में कूल तलाने के लिए, शीतल तलाने के लिए ये शीतली प्राणायाम दिया है। तो कैसा करना है शीतली प्राणायाम? अपनी जीभ जो है उसको फोल्ड करना है, ऐसी जीभ बाहर निकाल के फोल्ड करना है, उसे उंगली बनाना है जीभ की और जीभ में से श्वास अंदर लेना है, फिर मुंह बंद करके नासिका से प्रश्वास करना है। तो चलो शीतली प्राणायाम, कूलिंग प्राणायाम है ये, अपना शरीर शीतल करने के लिए जीभ की फोल्ड करना है, जीभ में से श्वास लेना है, मुंह बंद करके नासिका से प्रश्वास करना है। शीतली प्राणायाम के बाद आते हैं हमारी प्राणायाम। अभी अपने तीनों उंगली अपने आंखों के ऊपर, उंगली स्मॉल फिंगर अपने हनोटी के ऊपर और आंखों में, आंखों के ऊपर उंगलियां
ओंकार के नाद को अपने को अभी मन ही मन देखना है, उसी ओंकार के नाद के ऊपर पूरा मन कॉन्सेंट्रेट करना है। अभी अपने को करना है एक मिनट के लिए प्रणव ध्यान, प्रणव यानी कि ओम, ओम के नाद का ध्यान करना है, ओम के नाद के ऊपर ही पूरा मन कॉन्सेंट्रेट करना है। बॉडी बिल्कुल एक मिनट के लिए स्टैच्यू जैसी स्थिर रहेगी और लक्ष्य पूरा अपने ओंकार के नाद के ऊपर। प्रणव ध्यान। शांति पाठ हाथ जोड़ना है और सामूहिक स्वर से शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण। एक ऊपर मध्य और धीरे धीरे आंखें खोल दे। अपना एप्पल एप्पल प्रोटोकॉल ये सेशन हुआ है। अभी कुछ डाउट्स है तो प्लीज पूछिए, जो योग किया है उसके बारे में कुछ डाउट है तो पूछिए, मैं आपको आंसर करने का प्रयास करता हूँ। कुणाला शंका असेल तर विचारा, कुणाला काही शंका असेल तर विचारा। बरोबर सर, आपण जे प्राणायाम आणि योगासन करतो याच्यामध्ये थोडस अजून आपलं फिजिकल फिटनेस तर दोन्ही, पण असे लाईट एक्सरसाइजच जर मिक्स तुमचं काय म्हणणं आहे त्या बाबतीत? करतो मैं
मैं अपने मन को हमेशा संतुलित रखूंगा रखूंगी इसमें ही मेरा आत्मविकास समाया है मैं स्वयं के प्रति कुटुंब के प्रति कार्य के प्रति समाज और विश्व के प्रति शांति आनंद और स्वास्थ्य के लिए बद्ध हूं योगाभ्यास यहां खत्म हो जाता है मुझे यहां मैं आया इसलिए अपने पूरे संस्था के देशपांडे मैडम का नारखेड़े सर का पूरे स्टाफ का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ धन्यवाद 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 सर धन्यवाद बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर आता मी समजतो आणि दिवस झाले होते परेशी योगासनं केलेले नव्हते आज ट्राय करायचा प्रयत्न केला कार्यक्रम होईल असं मला वाटतं हा हा सर थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच सर धन्यवाद मॅडम खूप खूप धन्यवाद एक मिनिट आता मी पुष्पेंद्र मी आता वोट ऑफ थँक्स डिक्लेअर करत आहे श्री सर आपल्याला परिचित आहेतच सांस्कृतिक उपक्रम त्यांनी राबवलं 2011 ला माझी पदवी ठाण्याला झाली त्यानंतर ब्रवरसर इथे आले आणि जेव्हा मी 2017 अकरा तिथे आलो तेव्हा ब्रवरसर इथे हरवून गेले होते तेव्हा त्यांचा माझा पर्सनल वैयक्तिक परिचय झालेला नाही आहे तरी मी ईश्वर पुष्पे सर विभाग मी त्याच्याबरोबर मी परीक्षा नियंत्रक म्हणून काम पाहत होतो सर आपल्याला आपण आलात आणि आपल्याला कुठल्या आठवणी आपल्या पॉलिटेक्निकच्या गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंबईच्या जागृत झाल्यात आणि जुने सहकारी पण आपल्याला भेटलेत त्याबद्दल मी आपण जो वेळ अतिशय मोलवणे वेळ आम्हाला दिला त्याबद्दल आम्ही मी संस्थेच्या वतीने आपला खूप खूप आभारी आहे सर्व विभाग प्रमुख प्राचार्य मला त्यातल्या ज्या क्रिया ज्या आहेत त्या क्रिया मधल्या पहिल्या ज्या पायाच्या एक आणि सर्वात शेवटी आपण जो आपण ध्यान ओम ओम उच्चारणानंतर आपण एक ते ध्यान केलं ते एक सुद्धा माझ्यासाठी नाही होतं म्हणजे ओमचा नाद आपल्या मनामध्ये कसा रुजला असं आपण त्यानंच पण विचार करावा हे खरोखरच माझं होत ते तर काही शिकायला मिळाल्या कारण योगाभ्यासाच्या बाबतीमध्ये सर्व खूप विद्यापीठे आहेत त्यांच्या वेगवेगळ्या काही थोडी थोडाफार फरक होऊ शकतो इथे जे त्यांनी ज्यांनी इथे संमेलित झालेले आहेत त्यांना काहीतरी क्रियेमध्ये किंवा आसनांमध्ये थोडा फरक जाणवला असेल परंतु जे जे आपले योगपटू आहेत योगगुरु आहेत त्यांनी जी शिक्षा घेतली आहे त्याप्रमाणे ते आपलं योग सादर करतात
तर अतिशय महत्त्वाचं मौलिक सर कार्य आपण केलं आणि एक वचनबद्धता आमच्याकडून तुम्ही घेतली सर्वात शेवटी, त्यासाठी मी आपला आभारी आहे. सामूहिक वचनबद्धता घेतली तर मी प्राचार्यांच्या वतीने आणि माझ्या विद्यार्थी सहकारी मित्रांच्या वतीने मी आपणास सर परत पुनश्च धन्यवाद देतो. आपण चांगला मोबाईल आम्हाला वेळ दिल्याबद्दल धन्यवाद. आणि आमच्या टेक्निकल टीमचे आभार ज्यांनी हा कार्यक्रम व्यवस्थितरित्या गुगल मीट आहेत संचालन केलं तर तंत्रज्ञानही खूप मनापासून आभार मानतो. आणि सर्व विभाग प्रमुख ज्यांनी ह्या कार्यक्रमाला उपस्थिती दिली त्यांनी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित केलं त्यांचे मुख्य आभार मानून हा कार्यक्रम संपला. सरांचं युट्यूब चॅनल किशन रंगराव भवन त्याच्यावर माझे बरेच काही व्हिडिओ अपलोड केले. मी रोगानुसार योग अशा प्रकारचे अपलोड केले आहेत. किशन रंगराव भवन माझा चॅनल आहे. व्हिजिट करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा. आवडलं तर नक्कीच नक्कीच सर व्हिजिट करा एकदा. मला थँक्यू व्हेरी मच भवर सर. थँक्यू, धन्यवाद. धन्यवाद. ओके बाय.